हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। और जैसे कि आप जानते हैं, मार्केट ने एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस ओपो ने लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है ओपो F19s। इस प्राइस सेगमेंट में सबसे स्लिमेस्ट स्लीक डिजाइन एंड 5000 mAh लार्ज बैटरी के साथ इंट्रोड्यूस किया है। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर क्या खास है। देखिएगा, ये मेरे पास है ओप्पो का F19s और सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या खास है। ये मैंने बॉक्स ओपन किया और इसके अंदर देखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत बॉक्स इन्होंने डिजाइन किया है। साथ ही इसका जो मैं सबसे पहला जो पॉइंट है, इसको जब हटाता हूं तो इसके साथ में एक बॉक्स और दिया गया है, जिसके अंदर एक बहुत ही डिसेंट सा केस इन्होंने दिया है, जो कि मोबाइल का बैक कवर है। ट्रांसपेरेंट केस है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है और बहुत ही लंबे टाइम को यूज करने के लिए। साथ ही इसके अंदर कुछ मैनुअल्स हैं, एक सिम इजेक्टिंग टूल्स है। ये सारी चीजें मैं साइड करता हूँ और मोबाइल पर ध्यान देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैं मोबाइल को अपने हैंड में फील कर पा रहा हूँ, बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही एक्सक्लूसिव डिजाइन। वाओ, कैन यू सी द बैक कवर? अभी तक मैंने सिर्फ इसको पॉलिथीन में रखा है और मुझे बहुत ही एक्सक्लूसिव लग रहा है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जो बैक पैनल है उसको किस तरीके से डिजाइन किया है? ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको रिवील करता हूँ। तो ये है ओप्पो का F19s, जी हाँ, ग्लोइंग गोल्ड कलर में F19s, जो कि बहुत ही चमचमाता और दिवाली की थीम इसके अंदर झलक रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड रखता हूँ, तब तक मैं इसकी पावर को ऑन कर देता हूँ। बॉक्स के अंदर देखते हैं बॉक्स में क्या है। सबसे पहले बॉक्स के अंदर बहुत ही ब्रिक्स और बहुत ही मोटी सी चीज इन्होंने दी है, जो कि 33 वॉट का फ्लैश चार्जर यूज किया है मोबाइल को चार्ज करने के लिए। डेटा केबल जो कि टाइप सी डिजाइन की है। साथ ही इसमें ईयरफोन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 3.5 mm जैक के साथ में है। ये सारी चीजें मैं एक साइड करता हूँ और मैं ध्यान देता हूँ मोबाइल पर। मोबाइल मेरे सामने एक्टिवेट हो गया है और मोबाइल के आप देख सकते हैं कि मोबाइल की जो डिस्प्ले है 6.43 inches की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले यूज की गई है, जो कि आपको बहुत ही एनहेंस कलर, जो कि रिच कलर आपको देती है। जब आप इसे मोबाइल से कोई गेम खेलते हैं या कोई वीडियो एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका एक बहुत ही सिनेमेटिक व्यू एक्सपीरियंस आपको मिलता है। प्लस मोबाइल की डिस्प्ले के साथ में जो बैक डिजाइन है, इसको सिनेमिक सैंड टेक्सचर पर बनाया गया है, जैसे कि ये फिंगरप्रिंट रेसिस्टेंट है। यदि आप इसके पास, आपके पास चाबी भी है या कोई ऐसी चीज आपके पॉकेट में रखी हुई है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके मोबाइल के बैक पैनल पर स्क्रैचेस आ जाएंगी, तो ये स्क्रैच रेसिस्टेंट है, प्लस इसको फिंगरप्रिंट रेसिस्टेंट बनाया गया है। इसकी डिस्प्ले को पंच होल डिजाइन किया गया है। इस प्राइस सेगमेंट में पंच होल डिस्प्ले आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है। साथ में एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है 2400x1080 है, जो कि इस सेगमेंट के मोबाइल में देखने के लिए नहीं मिलता है। इसका जो वेट है, बहुत ही लाइट वेट डिजाइन किया गया है, क्योंकि आप इसे काफी लंबे टाइम तक यदि हैंड में भी होल्ड करके रखते हैं या फिर अपनी पॉकेट में कैरी करते हैं, तो आप इसे लंबे टाइम तक कैरी कर सकते हैं। इसका वेट है 175 ग्राम। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, बहुत ही स्लिम बनाया गया है, बहुत ही स्लिम। इसकी स्लिमनेस है 7.95 mm इसकी स्लिमनेस है। अब इसके मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर बैटरी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मोबाइल के अंदर जो बैटरी यूज की गई है 5000 mAh की बैटरी, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसका चार्जर बहुत ही हैवी है, 33 वॉट का फ्लैश चार्जर यूज किया गया है, जो कि इस मोबाइल को 72 मिनट्स में 100% चार्ज कर देता है। यदि आप मोबाइल से कभी म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो आप यदि कंटिन्यूअसली म्यूजिक सुनते हैं तो 33 आवर्स तक म्यूजिक सुन सकते हैं। साथ ही मोबाइल के अंदर जो रैम है वो 6GB इक्विप की गई है, LPDDR5 इसके अंदर रैम यूज की गई है। इसके अंदर एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे कि आप पबजी के शौकीन हैं या फिर फ्री फायर खेलते हैं या कभी कोई दूसरा गेम आप खेलते हैं जिसमें आपको हैवी रैम की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप मल्टीटास्किंग बहुत करते हैं, जैसे कि मैं जानता हूं आप एक प्रोफेशनल इंसान है और आपको फ्रीक्वेंटली अपने मोबाइल पर रहना होता है, तो आप यदि मल्टीटास्किंग बहुत करते हैं तो इसमें रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप 6GB के साथ में 5GB का रैम एक्सपेंशन और कर सकते हैं।
साथ में इसको इंटरनल स्टोरेज, क्योंकि आपके पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट होते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स आप शूट करना पसंद करते हैं, आप वीडियो शूट कर लेते हैं और उनको डिलीट भी नहीं करते हैं, तो इंटरनल स्टोरेज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर 128 GB तक का इंटरनल स्टोरेज है, प्लस इसके अंदर OTG कनेक्ट आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पेन ड्राइव सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इसका फीचर है। साथ में इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज किया गया है, कंपनी स्नैपड्रैगन, जी हाँ स्नैपड्रैगन, जो कि जानी मानी कंपनी है प्रोसेसर के मामले में, जो कि हैवी मल्टीटास्किंग के लिए जाना जाता है, उसकी एक सीरीज यूज की गई है 662। स्नैपड्रैगन का 662 इसके अंदर यूज किया गया है, जो कि आपकी गेमिंग और वीडियो एक्सपीरियंस को बहुत ही आलीशान बना देता है। साथ ही मोबाइल के अंदर आपको रैम एक्सपेंशन का फीचर मिलेगा और बहुत ही काबिले तारीफ प्रोसेसर मिल रहा है। इसके अंदर एक खास बात मैं आपको और बता देता हूँ, इसके बैक पैनल पर कैमरा इक्विप किया गया है, ट्रिपल कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल, तीन स्पेशल कैमरे डिजाइन किए गए हैं। और कभी आपको लगता है कि आप दिवाली के इस ओकेजन पर आपने कोई बेहतरीन शूट किया है, चाहे आप कोई भी किसी तरह की नाइट में पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं, आप किसी स्पेशल फंक्शन के थ्रू पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं और उस पिक्चर को आप एक स्पेशल मोड पर पिक्चर कैप्चर करते हैं, तो उसे आप 108 मेगापिक्सल तक की पिक्चर क्वालिटी ले सकते हैं। यदि आप उसे प्रिंट भी कराएंगे तो 4.3x2.3 meter का आप पोस्टर साइज प्रिंट भी करा सकते हैं, जो कि आपकी मेमोरी को बहुत ही लंबे टाइम तक सेव कर देगा। साथ ही मोबाइल में फ्रंट कैमरा जो दिया गया है 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, जिसमें नाइट में यदि आप फोटो लेते हैं तो फ्रंट में नाइट मोड का स्पेशल फीचर दिया गया है, नाइट मोड स्पेशल फीचर, जिसकी वजह से यदि नाइट में आप कहीं भी लो लाइट कंडीशन में भी पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं तो फ्रंट से भी आपकी बहुत ही आलीशान सेल्फी आएगी। इस मोबाइल यानी कि ओप्पो ने F19s को इक्विप किया है कलर ओएस 11.1 पर, जिसमें बहुत सारे इमेजिंग फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि नियर बाय शेयर। यदि आप अपने डिवाइस से कोई ऐसा डेटा दूसरे की डिवाइस में आप शेयर करना चाहते हैं तो नियर बाय शेयर एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है, किसी भी डिवाइस से आप इजीली अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। कस्टमाइज डार्क मोड, आप जानते हैं कि आपकी आंखें बहुत ज्यादा कीमती हैं और कभी कभी आप अपने मोबाइल से बहुत लंबे टाइम तक डिस्प्ले को देखते रहते हैं, तो आपकी आंखों पर जो ब्लू रेज हैम्पर करती हैं उससे बचने के लिए आपके पास कस्टमाइजेबल डार्क मोड है, उसे आप 3 शेड में यूज कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल में आपको सो लूप वीडियो एडिटर, AI हाईलाइट वीडियो, बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। फ्लैक्स ड्रॉप, आपको मोबाइल के अंदर जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं उसके अंदर कन्वीनियंट बनाने के लिए फ्लैक्स ड्रॉप का ऑप्शन यूज किया गया है, तो ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। मुझे ये पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा और इसका जो कलर डिजाइन है ये इस दिवाली पर बूम मचाने वाला है, आई पर्सनली लाइक इट। ये मुझे आपको कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा, और इसके अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।